पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। 2024 लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ और भी कई बातें शुरू हो चुकी हैं। शुरू ये हो चुका है कि पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और उससे पहले किस तरह की स्थितियां रहीं, किस तरह से चुनाव प्रचार हुए, ये सारी बातें हमने आपको बताई। लेकिन बिहार में होने वाले 4 सीटों के चुनाव पर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने अपने घटक दल के सभी साथियों को दरकिनार कर दिया है और सीधी लड़ाई में वो सामने आ गए हैं। अब इसके बाद की कहानी यदि आपको बताएं हम, तो 19 अप्रैल को जिन 4 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा है। इन सीटों पर जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और इन चारों सीटों पर जहां राजग का मुकाबला महागठबंधन से होना है, वहीं इस मुकाबले को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने साथ सीधे एनडीए के टकराव का बना दिया है। इनमें सभी पर महागठबंधन के घटक दल राजद के प्रत्याशी चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। वहीं राजग की तरफ से, एनडीए की तरफ से भाजपा के 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 1 और लोजपा के 1 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस पूरी कहानी में जो सामने नजर आ रही है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से चुनाव की तैयारियां हुई हैं उसमें गया से हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के, तो जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैदान में हैं। जमुई लोकसभा क्षेत्र में राजग के अरुण भारती लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन की प्रत्याशी यहां पर अर्चना रविदास हैं जो आमने सामने हैं। अरुण भारती पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान के बहनोई हैं। जमुई क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ये सीट है। चिराग पासवान 2014 और 2019 में यहाँ से चुनाव पहले ही जीत चुके हैं। उसके बाद उन्होंने इस बार हाजीपुर से चुनाव लड़ने का निर्णय किया जो उनके पिता की पारंपरिक सीट रही है। इसके अलावा अगर गया की बात करें तो गया संसदीय क्षेत्र से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट इसके चुनाव में इस बार जीतन राम मांझी एक बार फिर से खड़े हैं। 2 चुनाव उन्होंने यहां से लड़ा है लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले चुनाव में जदयू के विजय कुमार मांझी से यहाँ से चुनाव जीते थे। उसके बाद इस बार ये सीट जो सीट शेयरिंग का समझौता हुआ उसमें हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के पास गई। औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद से यहाँ पुराने प्रत्याशी हैं सुशील कुमार सिंह, तीसरी बार मैदान में उतरे हैं। इनका मुकाबला राजद के अभय कुशवाहा से है। अभय कुशवाहा जदयू के पूर्व विधायक रहे हैं और पार्टी के वो युवा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके साथ मुकाबला है। एक बड़ा फैक्टर यहाँ नरेंद्र मोदी का है और नरेंद्र मोदी फैक्टर काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है ये तो जब 19 तारीख को मतदान होगा तब होगा। राजद की ओर से पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यहाँ लगातार कैंप कर रहे हैं और लोगों को रोजगार के साथ साथ अन्य चीज़ों को लेकर के अपनी घोषणा पत्र के साथ लोगों को अपने तरफ आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नवादा लोकसभा की चुनावी जंग में तीसरा कौन बन रहा है और यहाँ भाजपा के विवेक ठाकुर मैदान में है, वर्तमान राज्यसभा सदस्य भी हैं। राजद के श्रवण कुमार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं जो राष्ट्रीय जनता दल से हैं। और यहां से एक और नया कोण पैदा हुआ है जिसमें राजद के पूर्व प्रदेश महासचिव विनोद यादव पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। तो वहीं एक गायक भी यहाँ से मैदान में है, गुंजन सिंह। इन सभी बातों को लेकर के इस चुनाव में जो पहले चरण का मतदान है वो काफ़ी कुछ सामने लेकर के आ रहा है। यहाँ चुनाव को कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने एनडीए वर्सेस इंडिया न करते हुए इस चुनाव को पहले ही आरजेडी वर्सेस एनडीए कर दिया है। कांग्रेस पूरी तरह से गेम से आउट है और चुनाव प्रचार में भी कांग्रेस दूर दूर तक नज़र नहीं आई। इसके क्या मायने निकाले जाएँ और इसके परिणाम पर क्या असर पड़ेंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन 19 अप्रैल को जब यहाँ जनता वोट करेगी तो उनके मन में क्या होगा और उनका चुनाव में मतदान देने का कारण क्या होगा, ये सारी बातें पता चलेंगी जब 19 तारीख को मतदान समाप्त होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।